Hello dear friends, today we are going to talk about thyroid disorder. In India, 42 million people are having thyroid issues. It may be hypothyroidism or hyperthyroidism. We are going to talk about both of them. But before that, I would like to request you to please watch my earlier videos in which I talked about some detoxification process, diet plan, and also some yoga poses. So, if you like those video, hit the like button and subscribe to my channel. क्योंकि जब आप subscribe करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ और आगे अच्छा करना है आपके लिए, कुछ अच्छी चीजें आपके लिए लेके आना है. हाँ, bell icon को भी press जरूर कीजिएगा. उससे मेरे next video की notification आप तक पहुंच जाएगी. तो आते हैं आज के topic पे, thyroid. Thyroid के topic पे जब हम बात करते हैं, तो video थोड़ी लंबी होने वाली है. इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बना रही हूँ. फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड, हाउ डज इट फंक्शन, और अगर थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होने से क्या क्या थायराइड इश्यूज जब हो जाते हैं तो क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं और क्या सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं आगे. उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ डाइट प्लान के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ योगा पोजेस, प्राणायाम, और थोड़ा हम मेडिटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो बात करते हैं थायराइड की. थायराइड एक्चुअली एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे होता है और ट्रैकिया विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है. ये बटरफ्लाई के शेप का होता है और ये डिफरेंट वाइटल हार्मोन सीक्रीट करता है जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है. जैसे आपने जब ब्लड टेस्ट करवाया होगा, अपने थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाया होगा, तो आपने देखा होगा T3, T4, TSH लिखा हुआ होता है. तो ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस जो है TRH प्रोड्यूस करता है. TRH क्या होता है? थायरोट्रोपिंग रिलीजिंग हार्मोन. ये TRH हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि TSH सिक्रीट होता है. ये TSH क्या होता है? थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हमारे थायरॉइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, जिससे कि T3 और T4 रिलीज होते हैं. T3 आपको पता होगा ट्राईआयोडोथायरोनिन, और T4 क्या होता है? थायरोक्सिन. तो ये दोनों को कंबाइनली, T3 और T4 को कंबाइनली हम कहते हैं थायरॉइड हार्मोन्स. ये थायरॉइड हार्मोन्स हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं. तो ये थायरॉइड हार्मोन्स प्रॉपरली सिक्रीट हो ना हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो इन्हीं थायरॉइड हार्मोन्स के कारण कंट्रोल में रहते हैं. अब ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी आप खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. कभी कभी हमारा थायरॉइड हार्मोन, ये जो थायरॉइड ग्लैंड है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, प्रॉपर अमाउंट में थायरॉइड हार्मोन्स रिलीज नहीं करता है, जिसके कारण हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो अफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो है थायरॉइड हार्मोन्स कम अमाउंट में निकल रहा है, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मतलब जो भी हम खा रहे हैं वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा अमाउंट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बाकी वैसा का वैसा रह जाएगा, जिससे कि हमारे बॉडी में फैट जमने लग जाता है और हम फूलने लगते हैं, मोटे हो जाते हैं. ये कंडीशंस को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म. इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन होता है जबकि हमारी बॉडी से थायरॉइड हार्मोन्स ज़्यादा अमाउंट में निकल रहे हैं, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो कई लोग थायरॉइड के कारण दुबले हो जाते हैं ना, वो वाली कंडीशन. ये वाली कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म. जब थायरॉइड हार्मोन्स कम रिलीज होते रहते हैं और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि भाई TSH हार्मोन जो है थोड़ा बढ़ाओ, TSH हार्मोन
का अमाउंट बढ़ाओ जिससे कि हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो सके और ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स T3 T4 सीक्रेट कर सके जिससे कि हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़े। वैसे ही जस्ट अपोजिट कंडीशन, जबकि थायराइड हार्मोन्स कम ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है, जब ज़्यादा निकल रहे हैं तो हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है भाई TSH का अमाउंट थोड़ा कम किया जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा T3 T4 बन रहा है, तो TSH का अमाउंट कम होने से ये भी कम होगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में प्रोसेस चलती रहती है। तो जब भी थायराइड डिसऑर्डर होता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स दिखाई देते हैं जब कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है बॉडी में। अगर आप अचानक से वेट पुट ऑन करते हो या आपका वेट अचानक से रिड्यूस होने लग जाता है तो ये थायराइड का डिसऑर्डर हो सकता है, थायराइड इम्बैलेंस का सिम्टम हो सकता है। सेकेंड, आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम जा सकता है। अगर आपके बाल अचानक बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों या फिर स्किन में ड्राइनेस है तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं थायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के। इसके अलावा अगर काफ़ी दिनों से हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली टैकल नहीं कर रहे हैं या डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पड़े देने रह रहे हैं तो हमें और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, तो हमें इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली टैकल करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहिए हमें। डाइट प्लान में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ होम रेमेडीज, उसके बाद व्हाट टू अवॉइड, देन व्हाट टू ईट। अगर आपको थायराइड का इश्यू है तो धनिया आपके लिए रामबाण है। हम लोग ज़्यादातर धनिया का पानी ही पीते हैं, लेकिन कुछ सलाह देते हैं कुछ लोग कि धनिया का जूस भी पी सकते हैं। तो पहले देखते हैं धनिया का पानी बनाना कैसे है। धनिया का पानी बनाने के लिए आप हाफ ग्लास वाटर लीजिए और धनिया के सीड्स लीजिए। ये धनिया के सीड्स मैंने वॉश कर लिए हैं और अब इसे हम इस पानी में मिला देंगे और इस तरीके से हम इसे सोक करके 8 आवर्स के लिए रख देंगे। एट आवर्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये पानी येलोइश हो चुका है कलर वाइज। अब हम इसे छान लेंगे और एम्प्टी स्टमक हम इसे पीने वाले हैं। पीने से पहले हम इसमें थोड़ा सा गरम पानी भी मिला लेंगे क्योंकि हमें इसे ल्यूक वार्म पीना चाहिए। फिर इसे आप सिप कर करके पीजिए। मैंने धनिया का पानी खत्म कर लिया। तो अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप नॉर्मल वाटर की जगह पे सिर्फ धनिया का पानी ही पूरा दिन पी लीजिए। आप उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको पूरे दिन धनिया का पानी पीना है। इसके अलावा आप अपने डाइट में फ्रेश धनिया का जूस भी ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम धनिया के जूस को एम्प्टी स्टमक ले लें, बट मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि मैंने धनिया का जूस कभी भी यूज़ नहीं किया है। हमें योगग्राम में धनिया की सीड्स का पानी ही देते थे। एक और बात है जो बताना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने थायराइड की सारी मेडिसिन छोड़ दीजिए। आपको अपने थायराइड की मेडिसिन कंटिन्यू रखना है, उसके साथ ये होम रेमेडीज और कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है और कुछ चीज़ें शामिल करनी है। आपका थायराइड लेवल अपने आप कम होता चला जाएगा, फिर डॉक्टर आपके डोजेस खुद से कम करेंगे। अब देखते हैं क्या अवॉइड करना चाहिए। सारी ऑयली चीज़ें, ओवर स्पाइसी चीज़ें, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। चाय कॉफ़ी प्लीज़ अभी अवॉइड कीजिए। सेकेंड थिंग आप और अवॉइड कर सकते हैं वो है पालक, ब्रोकली, गोभी, कैबेज, ये सब आप अवॉइड कीजिए। भिंडी भी आपको थोड़ा दिन अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज़ें आप तब तक अवॉइड कीजिए जब तक आपका थायराइड लेवल
नॉर्मल नहीं आ जाता। एक्सट्रीमली ठंडी चीज़ें, स्वीट चीज़ें, पैक्ड फूड और कोई भी टाइप का कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। व्हाट यू शुड ईट, फ्रेश फूड जो तुरंत बनाया हुआ है और फ्रेश है वो चीज़ें खाइए, और इतना खाइए कि जितनी आपकी भूख है उससे 20% आप कम खाइए। इससे क्या होगा, आपके थायराइड ग्लैंड पे थोड़ा कम लोड पड़ेगा। अगर थायराइड ज़्यादा ही इम्बैलेंस है, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, तो एक मेडिसिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगी जो कि पतंजलि का है, थायरोग्रिट। थायरोग्रिट 2 टैबलेट एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में और 2 टैबलेट एम्प्टी स्टमक इवनिंग में आपको लेना चाहिए। ये एक्चुअली हमारा यूज़ किया हुआ टैबलेट है, हमने देखा है इसके रिजल्ट्स। एक्चुअली मेरे बेटे को थायराइड हो गया था, तो हमने कोई भी दूसरी एल्ट्रोक्सिन इस टाइप की कोई मेडिसिन नहीं दी। डायरेक्ट हम थोड़े दिन के बाद चले गए थे योगग्राम, तो योगग्राम में हम यही वाली मेडिसिन उसको 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को दी जाती थी, और योगा प्राणायाम और धनिये के पानी यही सब दिया जाता था। हमने देखा वहाँ जब लास्ट डे था, हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया, इसका थायराइड नॉर्मल आया था। तो हमारा यूज़ किया हुआ है, हमारे परखा हुआ चीज़ है और इट वर्क्स। थायरोग्रिड जो है आपको किसी भी पतंजलि के शॉप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मतलब इसकी मेरी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट हमने यूज़ किया है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल था, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, अगर थायराइड डिसऑर्डर होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, थायराइड प्रॉब्लम में क्या चीज़ हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है जो थायराइड में आपकी हेल्प कर सकता है, थायराइड प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर सकता है। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें योगा के बारे में, प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।